तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका ट्रैवल वीडियो आपका स्वागत करता हूं ट्रैवल वीडियो के एक नए भाग में। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा ही होगा कि महाराष्ट्र का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, मतलब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे द्रुतगति महामार्ग। तो इसका जो पुराना वाला एंट्री पॉइंट था वो था भरवीर में, वो अब चेंज होके इगतपुरी आ गया है। तो मेरी पिछली वीडियो इसी के बारे में थी, शायद वो आपने देखी होगी। तो हम इस भाग में जानेंगे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में, जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है और ये 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और इस एक्सप्रेसवे के शुरुआत में एक लिंक होगी जो दिल्ली से जुड़ेगी, जो है 60 किलोमीटर की, और जो एंड में जो लिंक होगी वो JNPT जो मुंबई में पोर्ट है वहाँ जुड़ेगी, तो इसकी लंबाई होगी 90 किलोमीटर। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, कौन सा सेक्शन खुला है और कौन सा सेक्शन बंद है ये जानने के लिए। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होके हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए मुंबई तक पहुंचता है। ये है इस एक्सप्रेसवे का एनिमेशन वीडियो। अब आप देखेंगे ये दिल्ली से राजस्थान से गुजरते हुए MP में एंट्री करके फिर गुजरात में वडोदरा में आके जुड़ जाता है और फिर वडोदरा से सीधे नीचे गुजरते हुए विरार वसई करके ये थाने में कल्याण के पास आमने गांव के पास ख़त्म हो जाता है, जहां पर ये समृद्धि महामार्ग से आके मिलता है। अब ये जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो जिसमें ग्रीन और रेड कलर की दो लाइनें खींची हुई है, जिसमें से ग्रीन रिप्रेजेंट करता है कि ये पैच ट्रैफिक के लिए शुरू हुआ है और रेड ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पैच ट्रैफिक के लिए अभी शुरू नहीं हुआ है। चलो इसे हम बाद में थोड़ी सी डिटेल इमेज में देखते हैं। तो दोस्तों, ये है दिल्ली का पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब ये स्क्रीन पर मैंने जो दो एरोज लगाए हैं इसके बाई तरफ के पोर्शन को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं और दाई तरफ की पोर्शन को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे 4 लेन का हाईवे, मतलब 4+4 8 लेन, और भविष्य में इसको 12 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है। मैंने ये जानकारी इंटरनेट से और यूट्यूब से बहुत सारा रिसर्च करके निकाली है और ये जानकारी आपको एक ही वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ये एक्सप्रेसवे दिल्ली गुरुग्राम के बाहर सोहना से शुरू होता है और जो पहला पैच शुरू हुआ था वो था सोहना से लालसोट चिमनपुरा इंटरचेंज 12 फरवरी 2023 को, और इसकी लंबाई थी लगभग 250 किलोमीटर। इसके आगे का जो छोटा सा पैच है लगभग 62 किलोमीटर का, जो लालसोट के चिमनपुरा इंटरचेंज से लेकर सवाई माधोपुर के पास कुश्ताला इंटरचेंज तक, ये ओपन हो गया था 16 फरवरी 2024 को। कुछ यूट्यूबर्स को चिमनपुरा इंटरचेंज के आगे हाईवे पे बैरिकेडिंग दिखी और हाईवे क्लोज दिखा तो उन्होंने यहाँ एग्जिट ले ली, मगर कुछ यूट्यूबर को थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का रास्ता मिल गया। हालांकि इसका इनॉग्रेशन 16 फरवरी 2024 को हो चुका है, शायद आने वाले कुछ समय में वो बैरिकेडिंग हटा दी जाए। अब आगे का सेक्शन है भानपुरा इंटरचेंज से लेके थांडला इंटरचेंज, और इसकी लंबाई है लगभग 244 किलोमीटर और ये 20 सितंबर 2023 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था। अब चलते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आखिरी सेक्शन पे, जो सबसे लास्ट में ट्रैफिक के लिए खोला गया है, और ये सेक्शन है वडोदरा से लेके भरूच तक का। इसकी लंबाई लगभग 85 किलोमीटर है और ये 22 फरवरी 2024 में खोला गया था। अभी के करंट कंडीशन में मुंबई से दिल्ली की दूरी तय करने में अप्रॉक्सीमेटली
22 से 24 घंटे का समय लगता है। अगर मुंबई से दिल्ली तक ये हाईवे पूरा बन जाएगा तब हो सकता है ये दूरी हम 12 से 13 घंटे में तय करें। 12 घंटे 1200 किलोमीटर के लिए, यस इट्स पॉसिबल। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने समृद्धि महामार्ग पे भरवीर इंटरचेंज से लेके महकर इंटरचेंज ये दूरी 320 किलोमीटर की है जो मैंने 3.25 घंटे में तय की, और वो भी स्पीड लिमिट के अंदर, शाम के 5:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। एवरेज अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर का आ जाता है। अब ये देखिए वर्किंग एक्सप्रेसवे कौन सा है। सोहना से लेके लालसोट तक, मतलब लालसोट का चिमनपुरा इंटरचेंज, चिमनपुरा इंटरचेंज से लेके सवाई माधोपुर के पास कुश्ताला टोल प्लाजा तक हाईवे मतलब एक्सप्रेसवे खुला है। कुश्ताला इंटरचेंज पे आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना पड़ता है, और उसके बाद पचाला, उनियारा, नैनवा, जजवर, बूंदी और कोटा ये गांव करते हुए फिर से आपको भानपुरा इंटरचेंज पे आना होता है जो कि झालवाड़ के पास है। इसके बाद भानपुरा इंटरचेंज से लेके थांडला इंटरचेंज तक आपको सीधा एक्सप्रेसवे मिलेगा जो कि 244 किलोमीटर का है। थांडला इंटरचेंज पे आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेना पड़ता है, और बाद में लिमड़ी, दाहोद, लिमखेड़ा और गोधरा होते हुए आपको वडोदरा पहुंचना पड़ता है। मतलब दो बार आपको एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ता है, एक बार सवाई माधोपुर के पास कुश्ताला टोल प्लाजा के बाद और दूसरी बार थांडला इंटरचेंज के बाद। और ये दोनों ही डिटूर सामने वाले मैप में सियान कलर में बताई गई है, और रेड कलर जो नॉन वर्किंग एक्सप्रेसवे है। वडोदरा से भरूच तक एक्सप्रेसवे खुला है, और भरूच के आगे आपको मुंबई अहमदाबाद हाईवे से मुंबई आना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम का स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है। और यह मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे आगे जाके कल्याण में, मतलब थाना डिस्ट्रिक्ट में कल्याण के पास आमने गांव में समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट होगा। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है इस इन्फॉर्मेशन को निकालने में, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल ट्रैवल वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और देखते रहिए मेरा चैनल ट्रैवल वीडियो। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।